सहारा प्रणाम, मैं हूं भूपेश कोहली। बड़ी बहस के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आदमखोर तालिबान आखिर वही हुआ जिसकी सबको आशंका थी, डर था। मजहबी एक वॉलीबॉल खिलाड़ी जो चाहकर भी तालिबान सत्ता आने पर दूसरे देश नहीं भाग सकी और तालिबान की बेरहमी और क्रूरता का शिकार हो गई। तालिबान पहले भी अपनी क्रूरता के लिए दुनिया भर में जाना जाता था, जब वो 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज था। 20 साल बाद अपने बदल जाने का ऐलान कर फिर सत्ता हासिल करने वाला तालिबान आज भी उतना ही क्रूर, बेरहम और आदमखोर है जितना 20 साल पहले हुआ करता था। 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा होते ही अफगानिस्तान के राष्ट्रपति नजीबुल्लाह के सिर में गोली मारकर उनके शव को लैंप पोस्ट पर लटका दिया था। तालिबान के दूसरे दौर में उसके उदारवादी हो जाने की गारंटी ले रहे देश भी इस क्रूर घटना से हिल चुके हैं, क्योंकि भारत समेत दुनिया के तमाम देश इस बात की आशंका पहले ही जता चुके थे कि तालिबान की वापसी न सिर्फ अफगानिस्तान के लिए खतरनाक होगी बल्कि पूरे रीजन में एक बार फिर आतंक को सिर उठाने का मौका मिलेगा, जो अब धीरे धीरे सच साबित हो रही है। महज बीन वॉलीबॉल खेलती थी और नेशनल लेवल की खिलाड़ी थी। महिलाओं पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाने वाले तालिबान को खेल और खासकर महिलाओं का खेलना तो हरगिज मंजूर नहीं, लिहाजा मजहबी को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। तालिबान ने अपना असली चेहरा भी दिखा दिया और संदेश भी दे दिया कि महिलाओं को पर्दे में रहने के उसके हुक्म को मानना ही होगा। बहरहाल तालिबान की पाबंदी से पहले ही तमाम महिला खिलाड़ी और टीम्स मुल्क छोड़कर तजाकिस्तान, पोलैंड जैसे देशों को रवाना हो गई। लेकिन इतना तो साफ है कि तालिबान का खौफ फिर पहले जैसा ही छाने लगा है और संयुक्त राष्ट्र मिशन को इसमें हस्तक्षेप करना होगा। आदमखोर तालिबान में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जबरदस्त पैनल मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता नेता संदीप दुबे हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता अनुज अत्रे हमारे साथ मौजूद हैं, एशियन मैराथन चैंपियन डॉक्टर सुनीता गोदारा हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एलबी स्वर्णकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत करते हैं संदीप, सबसे पहले आपके पास आएंगे। तालिबान का राज आया, ऐसे ही नहीं भाग रहे थे लोग अफगानिस्तान के एयरपोर्ट पर, देखा था हमने, अफरा तफरी मची थी, लोगों को डर था कि ये होगा और ये हो रहा है, जिसकी आशंका हमारे देश में, हमारे देश की सरकार ने, हमारे देश के लोगों ने भी जाहिर की थी। देखिए, मैं एक बात कहूँगा, जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाव किसी राष्ट्र पे हो और राष्ट्र अपनी संप्रभुता के नाम पे इस तरह से घिनौनी और गंदी हरकत करे तो शर्मसार करता है, खासतौर से उस राष्ट्र की व्यवस्था को लेके। और राष्ट्र की कोई एक परिकल्पना होनी चाहिए, कोई भी अवधारणा, एक अच्छी अवधारणा होनी चाहिए। और अफगानिस्तान में जो अभी सत्ता संभाले हुआ दल है उसकी राष्ट्र के प्रति जो अवधारणा है वो कट्टरपंथ का है, और कट्टरपंथ कोई भी विश्व अगर समुदाय उसको बर्दाश्त करता है तो वो देखने को ये मिलता है कि जो कार्य हो रहा है उसके तरह ये घृणित कार्य है और कोई भी सभ्य समाज उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उस सरकार पे ज़्यादा जिम्मेदारी है आज की डेट में कि वो ऐसा असभ्य अगर वो कृत्य करेगा तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा वो नकारा जाएगा। तो हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है, हम सब लोग को मिलकर अपने अपने राष्ट्र के लिए बेहतर सोचना चाहिए, बेहतर करना चाहिए और बेहतर देखने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो अफगानिस्तान की सरकार है उसकी आज क्या नीति है, क्या नियत है, ये सारे देश लगभग पड़ोसी मुल्क भी और विश्व के और भी देश उस पर नजरें गड़ाए तो बैठे हैं, लेकिन कुछ प्रतिफल निकलता मुझे नहीं दिख रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाव वो सरकार वहाँ पे नकार के बैठी हुई, और इस तरह के काम को कोई भी सरकार हो, चुनी हुई सरकार हो, लोकतांत्रिक सरकार हो, विश्व के पटल पे जो खास तौर से मानव अधिकारों की बात करने वाली सरकारें हर जगह हैं, विश्व के छोटे छोटे देश हों या बड़े देश हैं, लेकिन इस तरह की जो कृत्य है उसको स्वीकार करना मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक चुनी हुई सरकार और देशों वाली स्वीकार करेगी। और अफगानिस्तान सरकार को खास तौर से अब जो सरकार है उसको ये सोचना चाहिए कि अगर इस तरह का वो घृणित कार्य कर रही है तो वो हांसिए पे चली जाएगी। और एक और बात एक मिनट कहूंगा, आंख के बदले आंख और ये नीति जो है कभी स्वीकार विश्व नहीं कर सकता। चलिए आऊंगा आपके पास। अनुज अत्रे हमारे साथ मौजूद हैं, तालिबान आदमखोर है, इंसानियत के भेष में दरिंदे हैं, गोली मार देते हैं, हाथ काट देते हैं, पंजे लटका देते हैं, टुकड़े कर देते हैं, और अब ये सीधे सीधे इंसानियत पर हमला। वॉलीबॉल खेलती थी खिलाड़ी, उसकी गर्दन काट दी गई। अगर एंकर समाचार पढ़ेंगे तो पीछे आदमी बंदूक लेकर सर पे निशाना साध के रहेगा कि कोई तालिबान के खिलाफ एंकर कुछ ऐसी बात ना बोल दें। महिलाएं बुर्का नहीं पहनेंगी तो कोड़े मारे जाएंगे, ये सब दोबारा होने लगा अनुज।
देखिए निश्चित तौर पे, और ये इसलिए हो रहा है कि हम तालिबान का अगर इतिहास उठा करके देखें और जो अफगानिस्तान का खासतौर से इतिहास उठा के देखें, तो अफगानिस्तान देश ऐसा नहीं था। अफगानिस्तान जब से तालिबानियों का वहाँ पे सत्ता पे काबिज होने से पहले, 1996 से पहले अगर हम भूतकाल में जाके देखें, तो एक ऐसा देश था जो उदारवादी देश था, जहाँ पर तमाम धर्म के लोग, मुस्लिम बाहुल्य जरूर वो देश था, लेकिन हमारे हिंदू भाई, सिख भाई वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में रहते थे। अब कम हो गए हैं, लेकिन उस समय रहते थे। और सबसे ज़्यादा व्यापार अगर हमारे देश का किसी से हुआ करता था तो अफगानिस्तान से हुआ था, अफगानिस्तान का भारत से और भारत का अफगानिस्तान से हुआ था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वहाँ सोच उनकी परिवर्तित होती गई, तालिबानियों की कट्टरवादी सोच जो है वहाँ पर हावी होती रही, वही उनके आम जनमानस के ऊपर भी उस तरह का उनका प्रभाव बढ़ता रहा, तो देश वो बर्बादी के कगार पर पहुँच गया। बर्बादी के कगार पे इस तरह से पहुंच गया कि देखिए वहाँ पे लोगों का जो आम जन है, जो आम नागरिक है, उनकी हालात क्या हो गई। चाहे वो खुद भी कट्टर हैं, लेकिन आपस में ही लड़ मर रहे हैं। जरा सा कोई इनके सख्त कानून है, उन कानूनों का जरा सा भी उल्लंघन करता है जो कि मानवता के खिलाफ है, मानवीय मूल्यों के खिलाफ है। और उनकी सजा ऐसी है कि जिस तरह से अभी देखा हमने, जो उन्होंने अपने राष्ट्रपति को नहीं छोड़ा कि सर कलम करके और जो है लाश चौराहे पर टांग दिए, तो आम चीजें हो गई हैं और देश विश्व देखता नहीं है। मैं उसमें थोड़ी सी और बात जोड़ना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं कट्टरवादिता का नुकसान आज देखने को मिल रहा है कि जिस देश में जहां के लोगों की सोच, जहां की सरकार की सोच, क्योंकि तालिबान वहां पर सरकार है, वो सत्ता में रहे 96 से तो वो सरकार रहे, और सरकार की सोच अगर कट्टरवादिता हो जाती है तो उस देश का हश्र क्या होता है। और वही कहीं ना कहीं आज हम अपने ऊपर भी अगर लेके देखें, हम अपने देश में ऊपर देख करके देखें, तो आज हम लोग कहां खड़े हैं? क्या हम सोचना नहीं चाहिए कि क्या हम धीरे धीरे उसी ओर अग्रसर हो रहे हैं? ये एनसीआर भी कहती है कि देश में इन 7 वर्षों में कट्टरवादिता बढ़ा। कट्टरवादिता बढ़ना किसी भी देश के लिए, किसी भी मुल्क के लिए एक बहुत ही एक जहरीला चीज है, बहुत ही एक हानिकारक चीज है। नहीं, तालिबान जैसे हालात हो रहे हैं हमारे देश में। मैं वही बोल रहा था, देखिए तालिबान जैसे हालात नहीं हो रहे हैं, लेकिन क्या हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं? क्या हमारे देश में उस तरह की घटनाएं धीरे धीरे होनी शुरू हो गई है या नहीं हो गई है? अभी हमने अगर देखा, प्रोफेसर अलवी स्वर्णकार साहब से इसका जवाब लूंगा, लेकिन इस बीच जानी मानी खिलाड़ी, जानी मानी कोच डॉक्टर सुनीता गोदारा, एशियन मैराथन चैंपियन, जानी मानी एथलीट, देश की शान, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सुनीता, बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरीके से अफगानिस्तान से ये खबर आ रही है, तालिबान ने वहां पर एक वॉलीबॉल खिलाड़ी की गर्दन काट दी, उसको खेलने से मना किया था, तमाम जो महिलाएं हैं, एंकर्स हैं या जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनके मन में खौफ है, आपका एक खिलाड़ी होने के नाते क्या रिएक्शन इस खबर पर? मैम, बिल्कुल जानवरों वाला व्यवहार किया है उन्होंने, बिल्कुल बर्बरता वाला। और उन्हें ना देश को ही नहीं, वहां तो वो खुद कर रहे हैं, तो एक सॉफ्ट टारगेट ले लिया, स्पोर्ट्स के साथ ऐसा किया, जो कि वैसे भी हम कहते हैं सद्भावना का प्रतीक है स्पोर्ट्स। तो सबसे पहली बात तो संयुक्त राष्ट्र को इसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, ह्यूमन राइट्स वालों को आवाज उठानी चाहिए, और ऐसे देश से सभी देशों को कांटेक्ट खत्म कर देना चाहिए। तभी इनको समझ में आएगा, जब ये अपने कुएं में रह जाएंगे ना, जानवरों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, अपने कुएं में करते रहेंगे, तभी इनको पता चलेगा। सभी देशों को इनको बायकॉट कर देना चाहिए, मतलब इन्होंने तो हद, सभी देशों को बायकॉट करना चाहिए। प्रोफेसर एलबी स्वर्णकार साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट, प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, इतिहास के प्रोफेसर हैं। स्वर्णकार साहब, तालिबान का इतिहास आप पढ़ते भी हैं, आप पढ़ाते भी हैं, क्या इतिहास रहा है दुनिया में ने भी देखा है, लेकिन इतने आदमखोर हो सकते हैं कि गर्दन काट रहे हैं, हाथ काट रहे हैं, पंजे काट रहे हैं, सर में गोलियां मार रहे हैं, क्रेन से लटका रहे हैं, ये क्या संदेश देना चाहते हैं दुनिया को और इससे हासिल क्या? देखिए, मेरा अपना सोचना है, मेरे कांग्रेस भाई साहब ने जवाब दिया कि तालिबानी शासन हिंदुस्तान में भी होता जा रहा है, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान से जब अफगानिस्तान से रिश्ते थे तो बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ शासन चलाया जा रहा था, वहाँ बौद्ध धर्म के बहुत बड़े दूर तक फैला हुआ था और सबसे शांति के दूत वहाँ जाते थे। लेकिन जब से 1989 में भी अंग्रेज वहाँ छोड़ के गया, उसके बाद रशिया छोड़ के गया और अमेरिका भी छोड़ के गया, विश्व के सारी ताकतें वहाँ उसके छोड़ के जा रहा है उनके करतूतों से, क्योंकि वो संभल ही नहीं पा रहे हैं। और अब जो अपने आप में आया तो उसकी हरकतें, उसका चाल चरित्र जो पहले था वही फिर से सामने आ गया। वो औरतें के साथ पहले भी इस तरह की व्यवहार कर रहे थे जो आज कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है, ये नई बात नहीं है, और वो आगे बढ़ता जाएगा। जब तक विश्व के पटल पे जितने देश हैं वो एक साथ होकर ये मानवाधिकार
से दबाव देकर उसको सुधारना नहीं चाहेगा तब तक नहीं होगा। और भारत तो इसके पहले कदम उठा चुका है, भारत तालिबान के खिलाफ एक्शन ले रहा है, और कंट्री की बात तो छोड़िए, भारत तो डायरेक्ट एक्शन ले रहा है। कभी भी तालिबान को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं हुआ, भारत उसके खिलाफ एक्शन लेगा, और भारत ही एक ऐसा कंट्री है जो उसको सुधारेगा। अभी भी मीडिया में आ रहा है कि अमेरिका और भारत के साथ ऐसा गठबंधन हुआ है जो तालिबान को सुधारने का जिम्मा भारत को दिया जा रहा है। चलिए, यहाँ अप्रिशिएट कर रहे हैं आप हमारे देश के खिलाड़ियों को, तमाम लोग, लेकिन संदीप, कांग्रेस का एक बड़ा आरोप कि हमारा देश भी पिछले 7 सालों में कट्टरता की तरफ जा रहा है और हालात बिगड़ते देर नहीं लगेगी, एक बड़ा आरोप आपकी सरकार पर, 7 साल की सरकार आपकी है। देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये कांग्रेस उन्हीं गांधी जी की पार्टी है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, और ये तीनों काम आज कांग्रेस कर रही है, बुरा देखती है, बुरा सुनती है और बुरा कहती रहती है, इसको बुराई के अलावा कुछ इस राष्ट्र में दिखता नहीं। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि एक पवित्र विचारधारा को धारण करना किसी राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ बनाने का पहला मूल मंत्र है। अगर आज अफगानिस्तान में ये हो रहा है तो मैं बार बार कहूँगा कि अफगानिस्तान सरकार की नैतिकता है कि उस वो सरकार वहाँ की जनमानस के हिसाब से पवित्र विचारधारा का निर्माण करे और समस्त जितने भी नागरिक हैं उनकी सुरक्षा का दायित्व का निर्वहन करे और कानून का राज कायम होना चाहिए। देखिए, कभी भी अगर कानून का राज नहीं होगा, आज अगर हमारे मित्र कांग्रेस के साथी यहाँ खुल के सरकार के खिलाफ बोलते हैं, मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, अमित शाह जी के खिलाफ बोलते हैं कि अफगानिस्तान में रह के अफगानिस्तान सरकार के खिलाफ कोई कांग्रेस का नेता वहां बैठ के बोल के दिखा दे या कोई वहां विपक्षी पार्टी का नेता बोल के दिखा दे, उस महिला खिलाड़ी की क्या गलती थी? वो सिर्फ इतनी गलती थी कि वो अपने देश के लिए खेलती थी, वो इतनी गलती थी कि एक वो नारी थी, उसकी इतनी ही गलती थी कि वो अपने विचार के प्रति सुदृढ़ थी, वो परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाई, उसकी इतनी गलती थी कि माँ बहन भाई सब चीज में आपको बुराई दिखाई देती है, अनुज अत्रे कांग्रेस को बुराई दिखाई देती है। सोचे आपके हमले का जवाब इस तरीके से दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि यहाँ पर बिल्कुल पिछले 7 साल से क्या पिछले कई दशकों से यहाँ पर महिलाओं का सम्मान होता है, संस्कारी देश है ये, इस तरीके के आरोप लगाना ठीक नहीं। देखिए भूपेश जी, अभी संदीप भाई ने बोला कि कांग्रेस को केवल बुराई दिखाई देती, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारा देश एक बहुत सुंदर देश है, बहुत मजबूत देश है। इन 70 सालों में हमारी सरकार ने और साथ साथ उससे पहले की जितनी भी सरकारें हैं सब ने मिलकर के देश को मजबूती में पहुंचाया है। जब हम 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमारे देश में सुई तक का निर्माण नहीं होता था, और 2014 में जब कांग्रेस की सरकार गई है तो देश एक मजबूत देश था, जो हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी की तरफ सोचने के लिए हमारी सरकार वर्तमान की सोचती थी। लेकिन जैसे समय बीतता जा रहा है, क्या देखने को मिल रहा है हमको, क्या सिंगू बॉर्डर पर देखने को मिला, ये जो हरकत थी, ये तालिबान है। सुन लीजिए, ये सुन लीजिए, कांग्रेस के मित्र मेरी बात, मैं बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए, अफगानिस्तान मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे हैं। जो ये तो देखिए जनता के उन लोगों का हाल है कि जिन्होंने ये काम किया, लेकिन जहां जहां इनकी सरकार है वहां सरकार के शासन और प्रशासन की तरफ से हाथरस में क्या हुआ, उस दलित बच्ची के साथ जिस तरह से जिसका जघन्य काम हुआ, ये भारत तालिबान नहीं है मेरे मित्र, कांग्रेस के साथियों, मैं बोलना चाह रहा हूं, पुलिस आप इस देश को आदि राज को उसको मिट्टी के तेल से जला देती है, रात को परिवार को लाश तक देने को मिलती है, लोगों के विचारधारा को जो राष्ट्रीय एकता में, इन सबको, अरे संदीप भाई बीच में बोल के जिससे गुस्सा मत कीजिए ना, बीच में गुस्सा मत कीजिए, आप ये बताइए जो इस तरह के मैं ये जो उदाहरण दे रहा हूं, ये जो सुन लीजिए मेरी बात, ये जो उदाहरण है अभी तो मेरे पास बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट, ये उदाहरण गलत है, यहाँ लोकतंत्र के नाम पे हर व्यक्ति को आप इनको स्वीकार करेंगे क्या, ये देश की आजादी है, ये देश की खूबसूरती की पहचान है हमारी, आप हमें बोलने से आज कश्मीर में क्या हो रहा है, मैं आपको बोलने से रोका, आज कश्मीर से लेकर के बंगाल तक क्या हाल हो रहा है, ठीक है, कौन ही जिम्मेदार उसके लिए, क्यों उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटना अभी देखने को मिला, दलित भाई का कल हुआ है, इसको वाल्मीकि के साथ क्या हाल हुआ है, जो थाने में उसको मार दिया गया, सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। चलिए डॉक्टर सुनीता बोला, एक 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 करके एक एक करके एक नारी के साथ गलत, आऊंगा आपके पास डॉक्टर सुनीता, हमारे साथ यही गलती थी ना कि वो एक पीटी उषा, मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल और ना जाने ऐसी सैकड़ों, आप खुद डॉक्टर सुनीता देश की शान है, तिरंगे की शान है, इन्होंने तिरंगे को अर्श पर फहराया है, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे वो नेशनल गेम्स हो, चाहे वो ओलंपिक हो, हमारे देश में ऐसे हालात आपको दिखाई देते हैं, और क्या वजह है कि हमारे देश की महिलाएं इतनी ज्यादा तरक्की कर रही हैं, सपोर्ट कितना मिलने लगा है पिछले एक दशक दो दशक की बात करें तो? पहली बात तो स्पोर्ट्स को यहाँ पर जो तवज्जो अभी इन पिछले 5-7 सालों में मिलने लगी है वो मतलब और जहां तालिबान की बात कर रहे थे, उनकी बर्बरता की बात कर रहे थे, इन्होंने उसका टॉपिक चेंज करने की कोशिश की है। पहली बात तो यहाँ पर महिलाओं को स्पेशली स्पोर्ट्स में जो अभी ओलंपिक में मेडल्स लाई हैं उनको जो हौसला अफजाई की गई, उनको जो इज्जत अफजाई की गई, उसको आप नकार नहीं सकते।
महिलाओं को स्पोर्ट्स में इतना ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है इंडिया में, जहां बात हो रही थी अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, वहां वॉलीबॉल की प्लेयर का गर्दन काट दी गई, उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। यहाँ पर कहां रेप हो रहा है, कहां पर क्या हो रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि खिलाड़ियों में, वो भी महिला, नारी को शक्ति माना जाता है हिंदुस्तान में, और हम यहाँ पर अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसके ऊपर बहस की थी, वो बर्बर है, पहले तो उसको कंडेम करिए, वो अफगानिस्तान में हो रहा है उसको कंडेम करिए, और फिर अपने देश से बोलिए कि बायकॉट करें, दूसरे देश भी बायकॉट करें। यहाँ पर स्पोर्ट्स की बेटियों को बहुत इज्जत दी जा रही है, ये सबने देखा है पिछले 5 साल में और इस 1 साल में तो बहुत ज्यादा। सुनीता जी, ये खिलाड़ी अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, एक खिलाड़ी अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है अपनी पहचान बनाने में, अपने जिले की पहचान बनाने में, अपने राज्य की पहचान बनाने में, अपने देश की पहचान बनाने में। और ये खिलाड़ी वही थी, वॉलीबॉल खेल रही थी, अफगानिस्तान बड़ा छोटा सा देश है, गरीब मुल्क है, वहाँ पर अगर उभरते खिलाड़ी सामने आ रहे थे, अपने देश की पहचान बना रहे थे, और ऐसे में बर्बरता की जाती है, गर्दन काट दी जाती है, जो वहाँ बाकी खिलाड़ी होंगे उन पर क्या बीतती है, उन पर जो बाकी लोग होंगे क्या बीतेगी उन पर? एक तो वो डर गए होंगे, उनको डराने, इन लोगों को सिर्फ डराने से मतलब है, और इनको स्पोर्ट्स से कोई मतलब नहीं है, इनको विकास से कोई मतलब नहीं, इनको सिर्फ डराने से मतलब है, तभी तो हर जगह बंदूक लेके खड़े होते हैं, हर जगह सरकलम कर देते हैं। तो ये तो बर्बरता है, इसका तो सभी को एकजुट होकर बायकॉट करना। सोनकर साहब, यहाँ पर क्या लगता है आपको, कितना कितना जुल्म झेलेगी वहाँ की आवाम, और क्या नहीं लगता कि बाकी मुल्कों को आगे आना चाहिए और इस तरीके से तालिबान को जो मान्यता देने में छलांगे लगाने लगे थे पाकिस्तान जैसे मुल्क, उनको भी शर्म आ रही होगी? मैं तो पहले भाई साहब के जवाब, बातों का जवाब दूंगा कि जब से हिंदुस्तान में कांग्रेस के शासन हुई है 1947 से आज तक, ये इस्लामिक कट्टरवाद को सपोर्ट किया है, आज भी इस्लामिक कट्टरवाद को सपोर्ट करते हैं। कश्मीर का प्रॉब्लम जो है वो नेहरू का दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए कश्मीर का प्रॉब्लम किसने किया। पटेल चाह रहा था कश्मीर को आजाद अपना मिलाने के लिए, और नेहरू ने कहा कि ये मेरा मसला है, मैं इसको सॉल्व करूंगा, और मैं एक मिनट, आप बोलेंगे, आप बोलेंगे, लेकिन इतिहास को गलत तरीके से पेश करेंगे आप जैसे एक सेकुलर नीति जो है, ये सेकुलर नीति जो है आज देश को बर्बाद कर रहा है, तो बहुत गलत। लेकिन बीजेपी, बीजेपी यही हमारे देश के भविष्य के साथ हिंदुस्तान को कहां ले गया, गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं आप, कहां ले गया यूएनओ में अपना कहता है अस्तित्व बना रखा है, नेहरू जी की बदौलत आज के जो कश्मीर हमारे देश में सुनने को हिम्मत नहीं है, नहीं तो महाराज कश्मीर के जो थे वो तो इस देश में शामिल नहीं होना चाहते। अरे यही तो आपकी नीति है, नेहरू नीति है, नेहरू ने कश्मीर को रोक दिया, शामिल नहीं होता, नेहरू ने पटेल को रोक दिया कि ये मेरा मुद्दा है, नेहरू जी की बदौलत हुआ, बिल्कुल बिल्कुल गलत तरीके से मत पेश कीजिए। अरे गद्दी के लिए क्या क्या किया है नेहरू ने, आपको पता नहीं है, ये आरएसएस का एजेंडा मत लागू कीजिए, आपको मालूम क्या, भाषा मत बोलिए, आपको मालूम होना चाहिए पाकिस्तान का पहला वायसराय वहां का जिंदा हुआ था, यहाँ का वायसराय माउंटबेटन को बनाया गया था नेहरू ने, कितनी गलत नीतियां, आप इतिहास पढ़े नहीं है, आप उठा के देखिए लिखा हुआ है सारी बातें, समय के साथ साथ नेताजी को बाहर कर दिया आपने, पटेल को बाहर कर दिया, बाहर कर दिया, और जो देश के उपराष्ट्रपति रहे हो, जो प्रोफेसर साहब प्रधानमंत्री रहे हो, जो गृह मंत्री रहे हो, अनुज भाई आ रहा हूं, अनुज भाई आ रहा हूं, समय के साथ साथ मानसिक और सामाजिक बदलाव बहुत जरूरी है, लेकिन जिन्होंने ये किया जाहिल अनपढ़ गवार, कितने कड़े शब्दों में निंदा की जाए इसकी वो कम है। और ऐसे में अगर कांग्रेस कह रही है कि हमारा देश भी उसी राह पर चल रहा है, आप लोग कट्टरता दिखा रहे हैं, हिंदू कट्टरवादी आप बनते जा रहे हैं और देश को बनाते जा रहे हैं, इस आरोप का आपसे जवाब चाहूंगा। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस दिन कुर्सी पे बैठे उनका सबका पहला वाक्य था सबका साथ सबका विकास। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, अगर अपवित्र विचार है आपके पास, उसी से हिंसा, तनाव, अपराध और हत्या जैसी जो केसेस हैं इस तरह की, अपराध की बोध होता और इस तरह की चीज़ें बढ़ती हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यशस्वी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने विचारों से भारत को उत्कृष्ट किया है, वैचारिक तौर पे हम पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं, और भारत तो सनातन परंपरा है, और इसकी सनातन परंपरा जो है प्रकृति से है, हम सब लोग प्रकृति प्रेमी हैं, यहाँ रहने वाला इस भूमि पे हर व्यक्ति, वो चाहे किसी संप्रदाय को मानता हो, किसी दल का हो, और किसी तरह की बात करता हो। मैं साफ साफ तालिबान को लेकर एक ही बात कहूंगा, बड़ी अच्छी बात, तालिबान पर हमारी सरकार का, सुनीता जी ने बहुत अच्छी बात, तालिबान को लेकर हमारी सरकार का स्टैंड, हमारी सरकार का साफ स्टैंड है, हम किसी तरह दुराचारी,
अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का समर्थन नहीं करते। हम किसी तरह के ऐसे प्रलोभन और के शिकार और शिकारियों का समर्थन नहीं करते। हम चाहते हैं कि हर जगह बेहतर व्यवस्था हो, लोकतंत्र हो और मानव मानव से प्रेम करे, ऐसी व्यवस्था यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में चाहते हैं। और इसलिए बार बार हमारे देश ने इस तरह की जो घटनाएं या जब भी तालिबान की सरकार नहीं भी आई है, उन्होंने अपनी चिंता हमारी सरकार ने जाहिर करी है। सरकार की तरफ से दावा, देखिए सरकार का दावा तो अभी कल ही दिखा है। कल हमारे विदेश मंत्रालय के जो अधिकारी हैं, कल ही उनके साथ तालिबानी के जो विदेश विभाग के हैं उनके साथ बैठ करके बैठक की है, लेकिन सरकार अभी तक अपना स्टैंड स्पष्ट नहीं कर पाई है। यही समझ में नहीं आता ये कांग्रेस चाहती क्या, खत्म करके एक करके बात जाएगी। मैं कुछ नहीं बोलता हूं, यही तो मैं कह रहा हूं कि आप इतने मत बोलिए। सरकार आज तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाई है। सरकार हर देश ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान जैसा देश है वो खुल के साथ खड़ा है तालिबान के और अफगानिस्तान के, और हमारा देश इसको विरोध करना चाहिए। हमें विरोध करना चाहिए तालिबानी सोच का और तालिबान के जो सत्ता, वो क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई होगा अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता हासिल करने से, जिससे नुकसान होगा वो कहीं ना कहीं टारगेट पे हमारा देश लिया जा रहा है। कांग्रेस लेकिन हम लोग हमारे देश की सरकार मुंह में दही जमा के बैठी है, न जाने किसकी वेट एंड वॉच की पॉलिसी कर रहे हैं। अभी डॉक्टर सुनीता ने कहा कि इसका बिल्कुल कंडेम होना चाहिए, मैं कहता हूं हम कंडेम करते हैं, हम खुल के कंडेम करते हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने एक बार भी कंडेम किया जिस तरह से वहां पे सत्ता का हस्तांतरण हुआ? अरे कैसी बात कर रहे हैं कांग्रेस के साथी, हमारे जो देश को जाने बिना देश को समझे, व्यवस्था को समझे, ऐसे ऐसे हमारी सरकार की तुलना तालिबान की सरकार, देखिए हमें यही चिंता हो जाती है, हमें यही चिंता होती है और इस देश के लोगों को चिंता होती है कि कांग्रेस इसीलिए दूसरों की नजर से गिर रही है। जो भारत के लोग इस देश को फॉरेन पॉलिसी उनको ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए, यहाँ गर्दन के बदले गर्दन, आंख के बदले आंख, उनको ऐसी व्यवस्था चाहिए कि मानो एक दूसरे के साथ प्रेम स्थापित करें। मैं एक और कांग्रेस के पड़ोसी देश से हमारे देश के संबंध अच्छे नहीं रह गए जब से सरकार, आपको कैसे लगता है? आप उठा के देख लीजिए, आप इस देश के अंदर रह के देश का खाके देश के लिए पड़ोसी देश आपको बेहतर नींद दे रहा है, आप देश की बुराई कर रहे हैं, उसके बाद भी बुराई सुनने को ये सरकार बैठी हुई है और आप इसकी तुलना ये करें श्रीलंका जैसा देश, रशिया जैसा देश हमारे सबसे पुराना दोस्त हुआ करता था, कांग्रेस के मित्र के साथ लड़ना नहीं चाहता, आज हमसे दूर हो गया है, बिरादरियों का पुटारा लेके बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार की गलत फॉरेन पॉलिसी की वजह से हमसे दूर हो गया है। अपने मन में सुनीता, एक बार मुझे बाहर जाना पड़ेगा, डॉक्टर सुनीता हमारे साथ मौजूद है, आऊंगा हमारा देश मजबूत है, मजबूती आऊंगा संदीप, आता हूँ संदीप। डॉक्टर सुनीता गोदारा हमारे साथ मौजूद है। तालिबान अपने यहाँ खेलने गाने, क्रिकेटर्स, न्यूज एंकर्स, बुरके में अगर महिलाएं नहीं हैं, सिंगर्स, स्पोर्ट्स पर्सन, सभी और खासकर महिलाओं को धमका रहा है, उनको देश छोड़ने पर मजबूर करना पड़ रहा है। ऐसे में एक खिलाड़ी के तौर पर आप उस मुल्क में अगर कोई कंपटीशन होता है, अगर कोई इवेंट होता है, अगर कोई स्पोर्ट्स मीट होती है, कोई बड़ा इवेंट होता है आने वाले सालों में, आपको लगता है किसी देश के खिलाड़ी को वहाँ पर जाना चाहिए? पहली बार तो होगा नहीं, क्योंकि जहाँ पर महिलाएं नहीं होंगी वहां पर स्पोर्ट्स हो ही नहीं सकता, बड़ा इवेंट तो हो ही नहीं सकता। स्पोर्ट्स इज मेड बाय द रूल्स, इसके रूल्स होते हैं, तो अगर वो महिलाओं के साथ में इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं तो उनको वो बिड ही नहीं जीत पाएंगे। कोई भी स्पोर्ट्स नहीं कर सकती तो एक चीज तो खत्म होगी, दूसरे अगर वो महिलाओं के साथ इतना अत्याचार कर रहे हैं तो धीरे धीरे महिलाएं देश छोड़ने लगेंगी, तो फिर वो जो तालिबानी आदमी है जो बर्बरता कर रहे हैं वो फिर बस अकेले रह जाएंगे और उनको अकेले ही रहना चाहिए, उनको कुएं में अकेले ही छोड़ देना चाहिए, सारी महिलाओं को उनको छोड़, अगर वो महिलाओं के साथ में उनको अगर प्रगति नहीं करने देना चाहते, उनको कुछ भी काम नहीं करने देना चाह रहे तो उन्हें वहां रहना ही नहीं चाहिए। और दूसरे देश हैं जो इनको पॉलिटिकल असाइलम देके उन महिलाओं को, उनको अपने यहाँ पे हो सकता है उनको अपने देश में रख के उनको नौकरियां भी मिल जाए, क्योंकि तालिब वहां अफगानिस्तान में तो फिर महिलाओं की रहने की जगह नहीं रह गई, जहां इतनी बर्बरता होती हो महिलाओं के साथ वो के लिए जगह ही नहीं। प्रोफेसर साहब यहाँ समझना ये चाहेंगे, तालिबान के बारे में सबको पता था कि ये नाटक होगा, ये आदमखोरी होगी, ये तांडव होगा, ये हिंसा होगी, उसके बावजूद अमेरिका ने तालिबान को, अफगानिस्तान को उसके हाल पे छोड़ दिया, अमेरिका की बहुत बड़ी गलती थी। देखिए बात ये छोड़ने की नहीं है, बात है कि इसके पहले ब्रिटेन भी छोड़ के गया, रसिया भी छोड़ के गया, और अमेरिका कितना दिन तक साथ देता उसको, 20 साल तक उसको चलाया, अब जिसकी जो हरकत है वो कभी बदल नहीं सकती है। 50,000-70,000 आदमी जो है पूरे देश को कैप्चर कर लेते हैं, तो? लोग कब तक झेलेंगे, पड़ोसी मुल्क कब तक झेलेंगे,
नहीं उसका दबा जैसे भाई साहब ने कहा कि इंडिया नहीं कर रहा, इंडिया ने उसकी दबा पूरी तरह से कर दिया। अभी अभी आपको सीबी चैनल पे पता चल रहा होगा, और जैसे अमेरिका के साथ इंडिया का गठबंधन हुआ है कि तालिबान के खिलाफ एक्शन लेगा, और ये तो पूरी वर्ल्ड के सारे कंट्री आ रहा है तालिबान के खिलाफ। ये महिला के साथ जो हो रहा है वो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई भी भारतवर्ष के तो लोग बर्दाश्त करेंगे। सरकार तो बातचीत कर रही है, अफगानिस्तान को भी बुला रही है, पाकिस्तान को भी बुला रही है सरकार। कोशिश किया जाता है 100% की बातचीत से मामला सुलझ जाए, क्योंकि अगर युद्ध होगा तो एक वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा, इसलिए चाहता है कि किसी तरह से दबाव देके बातचीत से सॉल्व किया जाए। अगर वो सॉल्व नहीं होगा तो अल्टीमेटली तालिबान पर इंडिया अटैक करेगा। और आपको नहीं लगता कि थोड़ी अतिशयोक्ति हो गई आपके कथन में, आपने कह दिया कि हमारा देश भी तालिबान के रास्ते पर? ये आप कांग्रेस वाले शुरू से ऐसा कहते हैं, बीजेपी पर एलिगेशन लगाना चाहते हैं, गलत बात है, और देश के खिलाफ ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। चलिए चलिए, देश के खिलाफ कभी भी ऐसी सोच नहीं। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, अरे जवाब उनसे तो लेने दीजिए, आ रहा हूं आपके पास, सुन लीजिए। मैं दोबारा से फिर से जी अनुज, मैंने क्या बोला कि तालिबान का जो गठन हुआ, जो अफगानिस्तान का जो जिस तरह से दुर्दशा हो रही है, जो ये केवल एक घटना नहीं है, ये पूरे देश का हालात ये है कि, और ये देश पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर आ चुका है, ये तालिबानी सोच की वजह से अफगानिस्तान। सुन लीजिए, बीच में एक बात आप संदीप जी सुन लीजिए, समय कम है, आप भी सुन लीजिए, अफगानिस्तान जो देश बर्बाद हो रहा है तालिबानी सोच कट्टरवादी का सोच की प्रस्तुति आप कर रहे हैं, जिस विषय को संदीप, क्या अनुज क्या लगता है कि जिन लोगों को यहाँ पर डर लगता है उनको एक बार अफगानिस्तान घुमा लाया जाए? देखिए सुनिए, मैं क्या बोला कि जो तालिबान की बदौलत अफगानिस्तान बर्बादी की कगार पे जा रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? तालिबान क्या है? एक कट्टरवादी सोच है तालिबान। भारत जो कट्टरवादी महिला ओपन घूमती है, जवाब लेने दें, एक बार जवाब लेने दें, आता हूं स्वर्ण का साहब, आता हूं। और जिस तरह से ये तालिबान एक दिन में नहीं उभर के आया, ये धीरे 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 फेज वाइज फेज दशकों में जाकर के आज इस कगार पे पहुंचा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारा देश तालिबान की लाइन पे जा रहा है, बिल्कुल नहीं जाएगा, हमारा देश एक मजबूत देश है। ये आरएसएस और भाजपा जैसे लोग और इनके जैसे सहयोगी कुछ भी कट्टरवादी जो संगठन है वो इस देश को बर्बाद नहीं कर हम होने देंगे। लेकिन बहुत अच्छा, जिस तरह से कट्टरवाद हमारे देश में पनप रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी एनसीआर भी है। किसके घर खाना खाने जाती है, कौन जातियों के आधार पर इस देश को देख रहा होता है, कौन धर्म के आधार पर इस देश में बात कर रहा है। ये वक्त की कमी है हमारे पास, तालिबान पर चर्चा हो रही थी, तालिबान ने जिस तरीके से हरकत की है उससे कहीं ना कहीं पूरी दुनिया शर्मसार है, और तालिबान है कि मानता नहीं, तालिबान को किसी तरह की कोई शर्म नहीं है। आने वाले दिनों में हो सकता है ऐसी और घटनाएं होंगी, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि तालिबान ने जो हरकत की है उस पर कहीं ना कहीं पूरा देश और पूरी दुनिया शर्मिंदा है, और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी का कहना है कि कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है और नकेल कसने की पुरजोर कोशिश है। डॉक्टर सुनीता गोधरा एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद रही, उनका कहना है कि इससे खिलाड़ियों का मनोबल टूटेगा और अफगानिस्तान को एक कुएं के मेंढक की तरह कुएं में छोड़ देना चाहिए, उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, उसको अपनी ही दुनिया में छोड़ देना चाहिए। फिलहाल बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। संदीप दुबे बीजेपी से हमारे साथ रहे, अनुज अत्रे बहुत शुक्रिया कांग्रेस से हमारे साथ रहे, डॉक्टर सुनीता गोधरा हमारे साथ मौजूद रही बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर LB स्वर्णकार साहब हमारे साथ मौजूद रहे बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप चलते रहिए सारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। फिलहाल इजाजत सारा।